हेलो एवरीवन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत पार्ट वन जिसके अंदर हमने गुलाम डायनेस्टी जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं अब ये सेकंड वीडियो है दिल्ली सल्तनत पार्ट टू जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी के बाद आने वाली खिलजी डायनेस्टी को पढ़ने वाले अपन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो सुनना है समझना है कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट भी करना है मुझे ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी की समाप्ति के बाद कौन सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी तो खिलजी डायनेस्टी Who was the founder of Khilji dynasty? Khilji dynasty की शुरुआत करने वाले कौन थे, founder कौन थे? तो ये Jalaluddin Firuz Khilji। When was Khilji dynasty established? Khilji dynasty की शुरुआत कौन से साल में हुई? तो in the year 1290 CE। By slaughtering Kumras, who declared himself Sultan? उमरस जो थे वो आ, स्लेव डायनेस्टी के भावी राजा होने वाले थे ठीक है तो उनको मार के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था खिलजी राज्य स्थापित किया था हुज द ओल्डेस्ट रूलर इन दिल्ली सल्तनत एट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जब राज्यभिषेक हुआ था मतलब सबसे बुजुर्ग उम्र दराज राजा कौन था जिन्होंने बहुत लंबी उम्र में क्या किया राज्यभिषेक करवाया खुद का तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी सेवेंटी ईयर्स के थे वे मेड किलो खारी एज एज कैपिटल किलो खारी को किसने अपना कैपिटल बनाया तो वो जलालुद्दीन खिलजी थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच खिलजी डायनेस्टी द मोंगल लेड बाय अब्दुल्ला इन्वेटेड इंडिया कौन सी खिलजी डायनेस्टी के रूलर के टाइम के दौरान अब्दुल्ला नाम के मोंगल ने क्या किया था इंडिया पर आक्रमण किया था तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी इन ट्वेल्व नाइन्टी टू स्टेट द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का समय बताइए जब तक उन्होंने राज uh, राज किया था तो इट इज़ फ्रॉम ट्वेल्व नाइन्टी टू ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स सी डेड अलाउद्दीन खिलजी किल जलालुद्दीन खिलजी एंड सेट ऑन द थ्रोन अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कब मारा और uh, थ्रोन पे बैठा तो वो था ईयर 1296 नाइन्टी के अंदर अलाहाबाद के अंदर उन्होंने हत्या की थी जलालुद्दीन खिलजी की हु वॉज़ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी कौन था ही वॉज़ द नेफ्यू एंड दान इन लॉ ऑ ऑफ़ जलालद्दीन खिलजी वो जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू भतीजा भी था और जमायी भी था जिसने हत्या करी विच टाइटल्स वर अजय बाय अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से टाइटल अज्यूम किए तो सिकंदर सानी जिसको सेकेंड एलेक्जेंडर के नाम से जाना गया यामिनी उल खलीफा और नासिर ई आमिर उल मोनिन के नाम से ये कुछ टाइटल्स थे जो उन्होंने अज्यूम किए थे ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत द स्पाई इंटेलिजेंस सर्विस सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रांग मतलब जासूस सेवा जासूस सिस्टम जगह जगह जासूस भेजे थे ताकि खबर ला सके तो वो सिस्टम किसने स्ट्रांग बनाया तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने जगह जगह उन्होंने अपने जासूस भेजे और ख़बर वो ला कर देते थे, थे और उसके बाद वो आक्रमण करते थे होम डिड अलाउद्दीन सेंड फॉर गुजरात कंपन गुजरात कंपन के लिए गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा तो वो थे उल खान एंड नुसरत खान ये दो ऐसे कमांडर थे उनके जिन्होंने गुजरात पर विजय पाई थी मालिक कफूर वॉज बॉट बाय नुसरत खान फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी अब है ना पहले गुलामों को ख़रीदा बेचा जाता था तो नुसरत खान जो थे ना उन्होंने मालिक कफूर को कितने अमाउंट में खरीदा था तो वो थाउजेंड दिनार एक हज़ार दिनार हु वॉज ऑल्सो नोन एज हज़ार दिनारी अब देखिए हज़ार दिनारी मतलब हज़ार दिनार में जिसको खरीदा है तो उसको हज़ार दिनारी के नाम से जाना गया तो वो थे मालिक कफूर हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन्वेडेड साउथ इंडिया साउथ इंडिया की तरफ पहले कौन से मुस्लिम इन्वेडर आक्रमणकारी जो थे वो जो साउथ की तरफ बढ़े तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे बाकी सब नॉर्थ नॉर्थ में ही चल रहा था बट अलाउद्दीन खिलजी साउथ की तरफ बढ़े वो पहले ऐसे रूलर थे वट वाज द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का रियल नाम क्या है आली गुड़शाप आली गुड़शाप विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड स्ट्रिक्टली द प्राइस कंट्रोल सिस्टम डी एस शॉर्ट फॉर्म है दिल्ली सल्तनत का तो ध्यान दीजिएगा आप कौन से राजा ने प्राइस कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी मतलब प्राइजेस मार्केट में फिक्स कर दी जाएगी कमोडिटी की नेम द फर्स्ट रूलर हु गेव कैश सैलरी टू द सोल्जर बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वो कौन सा पहला राजा था जिसने अपने सोल्जर को कैश सैलरी दिया तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी इम्पोर्टेंट है बहुत नेम द टैक्सेस इन्फोर्सड ऑन नॉन मुस्लिम बाय अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए कौन से टैक्सेस लगाए गए तो पहला है जिजिया टैक्स पोल टैक्स जिसको बोला गया खारज लैंड टैक्स हो गया कारी हाउस टैक्स हो गया एंड चारी पेस्टल टैक्स मतलब जितने आपके पास गाय हैं है ना तो उसके लिए चारी टैक्स उसके ऊपर टैक्स विच रूलर ऑफ़ दिल्ली सल्तनत इंक्रीज लैंड रेवेन्यू खारज टू हाफ़ ऑफ़ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट कौन से राजा ने कौन से किंग ने रूलर ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हाफ कर दिया मतलब अगर आपने सौ बोरी उगाया है तो फिफ्टी बोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहाँ देना है रूलर को देना है तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे जिसने खारज को बढ़ाया था विच रूलर इंक्रीज द शेयर ऑफ़ सुल्तान इन वेल्थ रॉफ बाई खम्स फ्राम वन फिफ्थ टू फोर फिफ्थ खम्स मतलब जो जिन जो सैनिक होते थे जो लूटमार करते थे वो वाला वेल्थ ठीक है तो पहले एट्टी ट्वेंटी का रूल था मतलब एट्टी सोल्जर्स रखेंगे और ट्वेंटी रूलर्स रखेंगे बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया पूरा चेंज कर दिया वन फिफ्थ टू लेकर फोर फिफ्थ तक का कर दिया वो राजा को देना होगा लूटा हुआ सामान तो वो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ दाग एंड चेहरा इन मिलिट्री अपने सोल्जर्स को है ना नकाब देने का काम किसने किया तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने अपने टीम को अलग अलग नकाब दिए हु कंट्रोल ट्रेड अंडर द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए तो ट्रेड कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट उनके द्वारा बनाया गया तो उसको बोला गया है दीवान आई रियासत जिसको पहले दीवान आई रिसालत के नाम से भी जाना जाता था हु टू कंट्रोल ऑन मार्केट अंडर द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पर कंट्रोल कैसे पाया गया तो मार्केट पे कंट्रोल पाने वाले जो थे वो थे वो डिपार्टमेंट था शाहाना आई मंडी डिपार्टमेंट है ना फुल कंट्रोल मार्केट के ऊपर फिर नेम द डिपार्टमेंट हु कंट्रोल द वेट एंड मेजर लैंड कितना है उसका मेजरमेंट या आपने कितना के जी उगाया है उसका मेजरमेंट क्योंकि फिफ्टी परसेंट तो सुल्तान को देना था तो वो काम कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा था तो वो काम कर रहा था मुहातासिब मुहतासिब डिपार्टमेंट नेम द इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और सीक्रेट ऑफिसर्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ़ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने जो जासूस जो स्पाई और जो जिसको इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बोला गया है तो उनको क्या नाम दिया था तो उनको नाम दिया था उन्होंने बरिद आई जो उनके लिए सिक्रेसी का काम करते थे वट वॉज़ बैन ड्यूरिंग अलाउद्दीनस राइन अलाउद्दीन के समय में उन्होंने किसको बैन किया उन्होंने ब्लैक मनी ब्लैक मार्केटिंग और एक्सेसिव प्रॉफिटिंग को बैन किया ताकि टैक्स उनको ज़्यादा मिल सके ड्यूरिंग वारेंगल लूट कोहिनूर वॉज़ रॉब्ड फ्राम विच डायनेस्टी बाय मालिक कफूर मालिक कफूर जिसको हज़ारी दिनार के नाम से जाना जाता था ठीक है तो उसने कोहिनूर कौन सी डायनेस्टी से चुराया था तो उन्होंने चुराया था सॉरी लूटा था उन्होंने काका दिया से उन्होंने वो लूटा था विच मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स वर बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन से मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट बनाए गए आंसर अलाई दरवाज़ा फोर्ट ऑफ सीरी एंड हज़ार खम्बा महल ये कुछ मॉन्यूमेंट्स और फोर्ट्स थे जो उनके द्वारा बनाए गए थे इम्पोर्टेंट है याद करिएगा आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन हु बिकेम द सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बने तो उनके सन कुतुब अल कुतुबाल्दीन मुबारक खिलजी इन थर्टीन सिक्सटीन सी ई विच खिलजी रूलर कैंसल द स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मार्केट कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निकाले गए ऑर्डर्स जो थे स्ट्रिक्ट वो किसने कैंसल करवाए तो उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उनका बेटा था कुतुब अल कुतुबाल्दीन मुबारक खिलजी उन्होंने क्या किया पूरी तरीके से ये ख़त्म करवाए नियम वॉट टाइटल वॉज अज्यूम्ड बाय मुबारक खिलजी मुबारक खिलजी ने कौन सा टाइटल अज्यूम किया था तो ही डिक्लेयर हिमसेल्फ खालीफ एंड टुक द टाइटल ऑफ उल वासिक बिल्ला उल वासिक बिल्ला नाम का टाइटल उन्होंने गेन किया था बाय हूँ मुबारक खिलजी वॉज मर्डर्ड मुबारक खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे उनको किसने मार डाला आंसर बाई हिज़ चीफ मिनिस्टर नसरुद्दीन खुशराव शाह नसरुद्दीन खुशराव शाह जो खुद के खुद के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने मार डाला हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ़ खिलजी डायनेस्टी नेचुरली नसरुद्दीन क्या बने उन आगे के राजा बने उन्होंने खिलजी डायनेस्टी को संभाला तो नसरुद्दीन खुशराव शाह लास्ट रूलर रहे थे नेम द खिलजी रूलर हु वॉज़ कन्वर्टेड मुस्लिम फ्राम हिंदू ऐसा कोई खिलजी रूलर का नाम बताया जो पहले हिंदू था बाद में मुस्लिम बना तो वो थे नसरुद्दीन खुशराव शाह वो हिंदू से मुस्लिम बने और वो लास्ट रूलर थे मतलब उनका भी कुछ ना कुछ हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई या हु किल्ड खुशराव शाह खुशराव शाह को किसने मारा तो खुसराव शाह को गियास अल दिन तुगलक ने मारा गयास अल दिन तुगलक अब लास्ट रूलर है मतलब खिलजी डायनेस्टी की समाप्ति तो विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के समाप्ति के बाद कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत हुई तो वो थी तुगलक डायनेस्टी और वो कौन थे उसके फाउंडर गियास अल्दिन तुगलक इन थर्टीन ट्वेंटी सी ई नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो तुगलक डायनेस्टी क्योंकि खिलजी डायनेस्टी की समाप्ति हो चुकी है तो अब ये दिल्ली सल्तनत पार्ट थ्री में हम तुगलक डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं ठीक है आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है और आप अब कैपेबल हैं खिलजी डायनेस्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन को करने के लिए तो हिट द लाइक बटन ड्रॉप अ कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो